तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मोइन ब्लॉग्स पे। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलपीजी किट अगर आप अपनी कार में लगवाना चाहते हैं, आपकी कोई भी गाड़ी है, मारुति इको है या आपकी कोई सी भी कार है, तो आप एलपीजी किट लगाने से पहले ये जानकारी आपको होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपके साथ जो भी एलपीजी किट फिट करते हैं, अगर आप किसी भी शॉप से फिट कराते हैं, किसी भी दुकान से आप एलपीजी किट फिट कराते हैं, तो वो लोग आपके साथ ऐसे फ्रॉड करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ये बाद में पता चलेगा, तो आपको जो है फ्री में खर्चा होंगे 5-7 हज़ार रुपये फ्री में बिल्कुल खर्चा होंगे, और हो सकता है आपकी एलपीजी भी आरसी से काट दी जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, जो हमारी एलपीजी किट होती है, जैसे जब हम नई गाड़ी लेते हैं, कोई भी गाड़ी अगर हम नई लेते हैं, जब हम एलपीजी किट फिट कराने जाते हैं, जैसे हमने मारुति इको ली और उसमें हम एलपीजी किट फिट कराने के लिए शॉप पर जाते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ, जैसे जो भी उसका रेट होता है 15-16 हज़ार, या इस समय जो है मारुति इको में जो किट लग रही है वो मैं आरटीओ के पास करा के 25 हज़ार रुपये की किट लग रही है, उसमें क्या हो रहा है, किट लगा देते हैं वो लोग, और सिलेंडर जो होता है हमारा किट वाला, जो पीछे सिलेंडर लगाते हैं जिसमें जो है गैस पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, ये लोग पुराने उसका जो है सिलेंडर लगा देते हैं। जैसे आप नया सिलेंडर जब लगवाते हैं, आप नई किट फिट कराते हैं अपनी गाड़ी में, तो उसकी 15 साल की वैलिडिटी मिलती है आपको, जब तक आपकी गाड़ी चलेगी जभी तक वो सिलेंडर भी चलता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अभी आपने 2021 चल रहा है, 2021 में आप गाड़ी ख़रीदते हैं, और 2021 में अगर आप एलपीजी किट फिट कराते हैं तो आपको 15 साल वैलिडिटी मिलेगी तकरीबन, यानी कि 2036 तक वो चलना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 5-6 साल हमारा पहले का सिलेंडर फिट कर देते हैं, 5 या 7 साल पहले का, और ये आपको नहीं पता होता जब आप नई किट लगवाते हैं, आपको ये नॉलेज नहीं होती है। मुझे भी ये नॉलेज नहीं थी, मुझे ये नॉलेज ऐसे मिली है, मैंने अपनी मारुति ओमनी में 2016 मॉडल थी वो, मैं नई लेकर आया था शोरूम से, उसके बाद मैंने 1-1.5 महीने के बाद 2016 में ही एलपीजी किट फिट कराई मैंने, और एलपीजी किट फिट कराने के बाद मैं जो हूँ उसे चलाता रहा, बढ़िया काम करती थी। पहली बात तो उस समय जो थी 14-15 हज़ार रुपये की किट लगती थी, मैंने फ़िट करा ली और चलाता रहा, बढ़िया चलता रहा सब कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ, वो माइलेज नहीं देती थी, माइलेज जो है एलपीजी किट जब आप फिट कराते हैं, अगर आप गाड़ी चाहे कितनी भी जैसे 80-90 पे चलाते हैं, तब भी आपको जो 70 से 280 का माइलेज मिलना चाहिए, तो जो था वो हमारी माइलेज नहीं दे रही थी, 200 तक का माइलेज दे रही थी, 200 से ऊपर 220 बस, इससे ऊपर का माइलेज नहीं दे रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने किट दिखाई, एक मैकेनिक भैया है हमारे, उन्हें किट दिखाई, तो उन्होंने कहा ये एक लोकल किट है, तो वो किट मैंने जो है पहले साफ़ वगैरह करा के देखे, उसकी सर्विस कराई, उसके बाद भी जो है उसमें बात वही रही, उसका माइलेज नहीं इम्प्रूव हुआ। फिर मैंने जो है उनसे पूछा कौन सी इसमें वेस्ट किट रहेगी, तो मैंने हॉवेल कंपनी की किट बताई उन्होंने, तो मैंने उसके बाद पहले जो है गूगल पर रिसर्च करी इसके लिए, इसके बारे में, उसके बाद मैंने गूगल से रिसर्च करके मैंने हॉवेल कंपनी की किट लगवाई अपनी मारुति ओमनी में, तो वो उस समय जब मैंने वो किट लगवा ली, उसके बाद माइलेज मेरा जो है 270 से 80 का आराम से हो गया, और अभी भी मैं चला रहा हूँ 275, मैं 80-90 चलाता हूँ 100 तक, तो मेरी जो है 270 से 75 का माइलेज आराम से दे देती है बिल्कुल। और अभी क्या हुआ था, मुझे फ़िटनेस कराना थी, मारुति ओमनी जो होती है 8-सीटर है मेरे पास, तो उसकी मुझे हर साल फ़िटनेस करानी पड़ती है। जब मैं आरटीओ ऑफिस में वो लेकर गया, और उसके इस समय तो डेट मिल रही है आरटीओ ऑफिस में, आपको 1-1.5 महीने की डेट मिलेगी, उसके बाद फ़िटनेस होगी, तो जब मैंने वो फ़िटनेस के लिए मैं वहाँ लेकर गया, और माइलेज तो ठीक दे रही थी, कोई दिक्कत नहीं, जो फ़िटनेस मुझे करानी पड़ती, तो उसमें आपका एलपीजी सिलेंडर वगैरह भी चेक होता है, तो वो बोले थे जिनसे मैंने फ़िटनेस कराई थी, वो ये बोले कि इसका एलपीजी से एक सर्टिफिकेट बनेगा, आप बनवा लेना जाकर। तो मैंने सोचा ठीक है, सर्टिफिकेट बनेगा 100-200 रुपये का, मैं बनवा लूँगा जाकर। फिर मैं जब सर्टिफिकेट बनवाने गया, उन्होंने मेरा एलपीजी सिलेंडर देखा और बोले कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि आपके सिलेंडर की वैलिडिटी जो है 2022 तक है, और अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो कम से कम 1 साल का बनेगा, जो कि आपके सिलेंडर की वैलिडिटी इतनी नहीं है, 2-4 महीने की ही वैलिडिटी आपकी रह गई है। अब ये बताइए, मेरी गाड़ी तो 2016 मॉडल है, अगर मैं उसमें एलपीजी सिलेंडर फिट कराता हूँ
नया सिलेंडर जब मैंने फिट कराया था 2016 में, उसकी 15 साल मुझे वैलिडिटी मिलना चाहिए। इस हिसाब से 2031 तक मेरा सिलेंडर जो है चलना चाहिए था। लेकिन उसमें हुआ क्या, मैंने जब और दिखाया उन्हें तो वो ये बोल रहे थे कि इसमें 2007 का सिलेंडर फिट है। तो मैंने जब देखा तो उसमें वाकई में 2007 का सिलेंडर उन्होंने फिट कर दिया था 2016 मॉडल में। मैंने 2016 में फिट कराई थी और 2007 मॉडल का सिलेंडर फिट कर दिया था उन्होंने, जो कि 2022 में ख़त्म हो जाएगा। आप खुद ही लगा लीजिए अंदाज़ा, 2007 में अगर आप सिलेंडर लगवाएंगे तो 2022 में आराम से ख़त्म हो जाएगा, 15 साल की वैलिडिटी पूरी हो जाएगी उसकी 2022 तक। लेकिन मैंने तो पैसे उन्हें पूरे पे किए थे और 2022 में एक्सपायर हो रही है, और मैंने लगवाई 2016 में थी, तो मेरी LPG किट चली ही कितनी, 5 साल ये हुए हैं, 5 साल, 5.5 साल के बाद अब मुझे फिर से सिलेंडर बदलवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सिलेंडर नहीं बदलवाएंगे तो आपकी RC से LPG किट काट दी जाएगी, और आप जानते ही हैं पेट्रोल तो इतना महंगा है, पेट्रोल से आदमी कहाँ चला पाएगा गाड़ी। तो अब मुझे जो है फ्री का 5-6 हज़ार रुपये का जो सिलेंडर लगेगा, 5-7 हज़ार रुपये का, वो मेरा फ्री में खर्च होगा, जबकि मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मैंने तो जैसी उन्होंने बताई मैंने वैसा किया, मैं जैसे मतलब मैंने उन्हीं के ऊपर भरोसा किया था। मैंने कही आपके हिसाब से जो भी बढ़िया किट हो वो फिट करें। पहली बात तो उन्होंने मेरी गाड़ी में लोकल किट फिट कर दी, उसके बाद मैंने किट अपने पैसों से दोबारा बदलवा भी ली दूसरे मैकेनिक से। फिर क्या हुआ, अब ये हमारा ये नपोर हो गई है पूरी। अब जो है मैं पूरा सिलेंडर भी फिट कराऊँ, मतलब मैं पूरे किट के दोबारा पैसे दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। तो अगर आप अगर अभी 2021 में LPG किट फिट कराते हैं, LPG गैस किट, तो आप ये हमेशा याद रखें, किसी भी मैकेनिक से फिट कराएं या किसी भी शॉप से फिट कराएं, आप सबसे पहले आप सिलेंडर की डेट देख लें। आप 2021 में फ़िट करा रहे हैं तो आपकी 2021 का ही सिलेंडर होना चाहिए। ये नहीं है कि वो 2014 का सिलेंडर लगा दे रहे हैं, 2013 का सिलेंडर लगा दे रहे हैं, आप बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि आप पैसे पूरे दे रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपये आप पूरे दे रहे हैं, तो आप क्यों लगवाएंगे वो सिलेंडर। आप बिल्कुल नया सिलेंडर ही लगवाएं। अगर आप 2021 में लगवा रहे हैं तो 2021 डेट पड़ी होनी चाहिए, 2021 पड़ी होगी और उसके बाद एक्सपायरी भी उसकी पड़ी होगी, तो वो दोनों चीज़ें देखकर ही सिलेंडर लगवाएं, वरना आपको दोबारा से फिर से उतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 20-25 हज़ार रुपये आपको दोबारा खर्च करने पड़ेंगे। मेरे साथ तो ये ऐसा हो चुका है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे पास भी मारुति की ओमनी है। तो यही थी कुछ जानकारी। और अगर आप LPG किट फिट कराते हैं तो आप हॉविल कंपनी की किट फिट कराएं, सबसे बेस्ट माइलेज देती है हॉविल कंपनी की। तो यही थी कुछ जानकारी, और कैसी लगी आप सभी को वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, टेक केयर, बाय बाय।